मान लीजिए आप एक कार खरीदना चाहते हैं, पर ये डिसीजन लेने से पहले आपने गाड़ी का मार्केट पेनिट्रेशन, इंजन पावर, टेक्नोलॉजिकल फीचर्स और उसके माइलेज जैसे कई डिटेल्स पता किए। इससे आपको पता चला कि गाड़ी आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार खरीदने के लायक है या नहीं। सिमिलरली इवन इन द फाइनेंशियल मार्केट्स यू हैव टू फॉलो सिमिलर स्टेप्स बिफोर यू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। कंफ्यूज्ड? डोंट वरी, हम इसीलिए तो आए हैं। आई एम स्मिथ ठक्कर एंड दिस इज एस्प्रेसो बूट कैंप। हियर यू विल लर्न स्किल्स दैट विल हेल्प यू टू नेविगेट योर स्टॉक मार्केट जर्नी। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, ये क्यों किया जाता है, इसके क्या टाइप्स है, फंडामेंटल एनालिसिस के क्या अप्रोचेस है और इसके एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट लेट्स आंसर द क्वेश्चन, व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस इज नथिंग बट अ क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इट्स मैनेजमेंट, इट्स कॉम्पिटिटर्स एंड द इंडस्ट्री इट ऑपरेट्स इन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार हम ये क्यों करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस से हम कंपनी के शेयर्स की वर्थ, जिसे इंट्रेंसिक वैल्यू भी कहते हैं, उसे समझ सकते हैं। इसे हमें पता चलता है कि वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड। फंडामेंटल एनालिसिस इज ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, विच यूजेस डेटा रिप्रेजेंटेड इन नंबर्स। दिस डेटा इज पब्लिकली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द सेकेंड टाइप ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें इनटेंजिबल एस्पेक्ट्स को इवेल्युएट किया जाता है, जैसे कि कंपनी का मैनेजमेंट, उसका बिजनेस मॉडल, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ब्रांड रिकॉग्निशन एक्सेट्रा। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट अप्रोचेस टू डू फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस को दो तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। सबसे पहला अप्रोच है टॉप डाउन। इस अप्रोच में हम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को पहले एनालाइज करते हैं, जैसे पॉलिसीज, जीडीपी, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स। इसके बेसिस पर हम हाई परफॉर्मिंग सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करते हैं जो मार्केट से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। द एनालिसिस ऑफ दीस आइडेंटिफाइड सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज हेल्प्स अस टू डिटरमाइन स्पेसिफिक कंपनीज टू इन्वेस्ट इन। द सेकेंड अप्रोच इज बॉटम अप। The underlying belief of this approach is that a company has the potential to perform well even in the underperforming sectors. इस अप्रोच में टारगेटेड कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू उसके बिजनेस मॉडल और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से डिराइव की जाती है। उसके बाद उस कंपनी के फंडामेंटल्स को सेक्टर और इंडस्ट्री से कंपेयर किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का प्राइमरी एडवांटेज है ऑब्जेक्टिविटी। क्वांटिटेटिव एनालिसिस से सब्जेक्टिविटी, गट फीलिंग, रूमर्स और गॉसिप से इंड्यूस्ड डाउट्स एलिमिनेट हो जाते हैं। सेकेंडली क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स गिव्स अस ओवरऑल व्यू ऑफ द कंपनी। ये हमें कंपनी की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने में भी हेल्प करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फंडामेंटल एनालिसिस हेल्प्स आइडेंटिफाई रोबस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। फंडामेंटल एनालिसिस का मेजर डिसएडवांटेज है कि एक टीडियस प्रोसेस है जिसमें स्टडीज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। सेकेंडली इसका क्वालिटेटिव कंसिडरेशन काफी सब्जेक्टिव होता है, जो एक्यूरेट होना जरूरी नहीं है। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको फंडामेंटल एनालिसिस कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके चैप्टर्स रीड कर सकते हैं। Tell us what you think of this video in the comment section below. Like, share and subscribe. Milte hain aise hi interesting video mein. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.